सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। जी पर आज इस टॉपिक पे आपको कुछ रोल प्ले करने मिलना, क्या कहना चाहेंगी जब अपनी सोच आप अपने लोगों के सामने? ऑब्वियसली आई थिंक ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है पर बहुत लोगों की सोच है जिसकी मैं मीडिएटर बनी हूँ फिलहाल, और इस सोच को मैं आगे ला रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि कहीं ना कहीं ये सोच एक बहुत न्यूट्रल सोच है, एक बहुत सही सोच है, जो एक हर कॉमन इंसान की सोच है। ये सिर्फ मेरी या किसी और की सोच नहीं है, बट इट्स अ वेरी रेगुलर सोच विच एवरीबडी हैज़। सो आई एम ग्लैड दैट जिंदाबाद हैज़ चोजन मी टू बी दैट मीडिएटर फॉर पीपल। आई एम लविंग इट। आई होप कि इसके बाद मैं हटकर कुछ और करूँ। एंड यू नो एवरी टाइम दर समथिंग डिफरेंट, दैट्स ऑल आई थिंक एनी एक्टर वॉन्ट्स इज टू प्ले समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग न्यू एंड नॉट गेट टाइप कास्ट इन अ सर्टन वे। सो आई होप दैट आई डन जस्टिस टू दिस साइड ऑफ मी एज एन एक्टर एंड दिस कैरेक्टर इन इट्स। अच्छा, एक्शन करते हुए कितना ज़्यादा इन्जॉय किया, कितनी ज़्यादा तकलीफें हुई हैं? इन्जॉय बहुत किया, लाइक आई वॉज लाइक दिस बेबी ऑन अ शुगर हाई, लाइक इसको भी शूट करूँ, उसको भी शूट करूँ, ये भी करना है, वो भी करना है। आई रियली इन्जॉयड, बट द नेक्स्ट डे वॉज बिट आई हैड टू कॉल माई फिजियोथेरेपिस्ट होम। और क्योंकि एक्शन में रिएक्शन भी होता है विच वी डोंट रियलाइज, जो वो मार लेना एंड ऑल, और कहाँ कहाँ झटके लगते हैं बॉडी में। इट्स नॉट अबाउट द गन शूटिंग वॉज जस्ट थोड़ा हाथ पे, बट लाइक फिजिकली वैन यू आर टेकिंग पंचेज और गिविंग पंचेज, इट्स लाइक मसल्स एंड थिंग्स फ्लाइंग अराउंड दैट आई डोंट इवन नो आई हैव इन माई बॉडी। सो या इट वॉज एग्जॉस्टिंग। अच्छा सर, ना जब भी आपको देखा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हैं आप, एक स्ट्रॉन्ग लड़की की तरह नजर आती है, इसमें भी ऐसे ही कुछ रोल प्ले करते हुए नजर आने वाली है जहाँ पे गन चलाते हुए बहुत स्ट्रॉन्गली नजर आएगी, क्या कहना चाहिए कुछ करेक्टर के बारे में आपको? Obviously, I'm very happy कि मुझे एक अपनी of course फिल्म के बाद अब ये मिला है, which is another strong character, very very independent, very bold in terms of her thinking, in terms of taking decisions. I think कहीं ना कहीं हमारी लड़कियाँ वैसी ही है, but कभी कभी लोगों को लगता है कि गर्ल्स आर वेरी फ्रजाइल एंड दे कांट डू दिस, दे कांट डू दैट, जो अभी काफ़ी चेंज हो चुका है। एंड आई एम ग्लैड कि ऑन स्क्रीन भी लड़कियों को वो चीज़ें करने मिल रही है जो वो एक्चुअली है। एंड मोर देन दैट, अब लड़कियां अपना ओपिनियन रखने लगी है, यू नो, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट, आई एम ओके, आई एम नॉट गोना मिंस माई वर्ड, आई माइट कंट्रोल फ्यू वर्ड्स विच आई माइट फील कि कल जाके लोग उसको ट्विस्ट कर दे, जो मेरे साथ काफ़ी हुआ है, एंड चीज़ें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाए जिसमें मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहती हूँ। सो आई हैव टू बी लिटिल सिलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, बट देन आई एम आउट विथ ऑल द ओपिनियंस दैट आई हैव, आई एम गोना से व्हाट आई फील, व्हाट आई एक्सपीरियंस, एंड बिकॉज एज अ ट्रुथ, ये कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बेनज़ीर जैसा अगेन एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करने मिला है, जहाँ पे ये लड़की अपने वतन के लिए हर वो चीज़ कर रही है जो इसे सही लग रहा है, कभी कभी ऐसी चीज़ें कर रही है जो उसके आपस के लोगों को लगता है शायद ये गलत कर रही है, बट इवेंचुअली इट्स गोना बी ऑल राइट, बिकॉज वॉट इवेंचुअली शी वॉन्ट्स इज फॉर हर कंट्री टू बी इन पीस। शी इज द क्वीन, शी इज द क्वीन। और मैंने सना से ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी है, अब तक तो मैं सोच रही थी कि बिकॉज आई ऑलवेज डू माई ओन मेकअप, सो आई एम लाइक अ ब्रो, यू नो, लाइक मुझे सब पता है एक्सेप्ट स्टिकिंग आई लैशेज विच आई डोंट एवर वेयर। सो एंड बट देन आई मेट सना एंड माई लाइफ चेंज। पहले तो मेरी थोड़ी सी बेइज्जती हुई, फिर उसके बाद मेरी गुरुजी रोज अबव द एशेस एंड टॉट मी हाउ टू डू मेकअप। आई यूज्ड टू गो लाइक अ लिटिल पपी इन अ वैन एंड बी लाइक, सना मेरे पास ये है, मुझे बताओ ये कहाँ यूज करते हैं, मैं क्या करूँ इनके साथ। सो सना हैज टॉट मी अ लॉट। इनफैक्ट टुडे आई वाज फीलिंग लाइक अ स्टूडेंट, आई वाज लाइक सना का नाम खराब नहीं करना, अच्छे से मेकअप करके आना है। हमने सना से पूछी थी कैसा है, आई थिंक शी डिडंट टेल मी द ट्रूथ, बट शी वाज लाइक हाँ ठीक है अच्छा है। ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है, मुझे सिर्फ अपने आप को सुंदर बनाना अच्छा नहीं लगता है। इफ़ आई सी समबडी आई विल ऑलवेज गिव यू द राइट एडवाइस, आई एम नॉट समवन हु हाइड्स मेकअप और आई एम नॉट गोना टेल यू व्हाट इज़ माय सीक्रेट। आई लव ब्यूटिफाइंग पीपल, इफ देर इज एनी लाइक इवन इन 1% आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मेकिंग यू लुक इवन मोर प्रीटियर देन यू आर, विच इज एवरीबडी इज प्रीटी, जस्ट दैट यू मैग्नीफाई योर ब्यूटी। सो इफ आई कैन बी अ, इफ आई कैन प्ले अ स्मॉल रोल आई विल। ऑफकोर्स बहुत मजा आया, सर हैज़ बीन मेकिंग, जब से वेब वर्ड लॉन्च हुआ आई थिंक सिंस देन हीज़ बीन, उसी वक्त उन्होंने एक्शन बोल दिया, मतलब उनके बाद आई थिंक लोग उनसे इंस्पायर होकर और भी वेब्स बनाने लग गए हमारे इंडिया में। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ बॉट सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच इज़ जनरली अ फॉरबिडन, यू नो,
subject or topic for people. People don't want to touch that topic. So that way, and I'm so glad that he did this web and he chose me, and I'm sure even Sanaya feels the same. He chose us to do something like this because we both are known for being very cute, very bubbly. So thinking of us as a strong character and an agent, I think, thank you, sir. And really hats off to Vikram that he could see us in roles like this, you know, because if at all Vikram has gone back and seen the work that I've done, I don't know which part of it he saw and believed that she can do this. So I think it's great. Yeah. Obviously. Yes. Yehi bolna chahenge. Please download the app and watch Zindabad and give all the love. Jio Cinemas. Just download. Watch Zindabad. Goli maru. Chalo niklo yahan se.